नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। रोज बरोज कुछ अलग मुद्दों को उठाकर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। कभी आंदोलन में सियासी रंग दिखाई देते हैं, कभी आंदोलन सवाल और सियासत नजर आती है, कभी कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ लोग सड़कों पर हैं कुछ मांगों को लेकर। उनका कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और उनको पूरा किया जाना चाहिए, और सरकार की तरफ से चर्चा होती है और सरकार कहती है कि जायज मांगों को पूरा किया जाएगा लेकिन कानून के दायरे में। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए, कुछ लोग सड़कों पर हैं, उनका कहना है कि उनकी मांगें हैं और उन मांगों को लेकर सरकार के पास जब बातें पहुंची हैं, सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए, सरकार की तरफ से वादे किए गए, लेकिन अब जाकर सरकार ने वादा खिलाफी की है। बार बार सरकार के पाले में गेंद जा रही है। सरकार का कहना है कि हम आपकी मांगों को लेकर पूरी तरीके से संजीदा हैं और उस पर हम बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग सड़कों पर हैं, उनके अलावा कुछ लोग और हैं, उनका कहना है कि अभी सड़कों पर उतरने का वक्त नहीं था, अभी ऐसे हालात नहीं थे, सरकार ने जो वक्त मांगा था सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा कुछ लोग और हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हम भी सरकार को अब ये चेतावनी देते हैं कि अगर इस वक्त तक, इस तय मुद्दत तक सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम फिर से आंदोलन की चेतावनी देते हैं, हमारी तरफ से भी रणनीति बनाई जाएगी। सरकार की तरफ से आज एक कैबिनेट की बैठक हुई फरीदाबाद में और उस बैठक में बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और उन चर्चा के साथ ही कुछ सवाल उठे हैं जो आज चर्चा का विषय रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम भी चर्चा करेंगे कि क्या एक रिपोर्ट लीक हुई थी, सीआईडी की एक रिपोर्ट लीक हुई, वो भी चर्चा का विषय है कि क्या आंदोलनकारी इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं, क्या प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, क्या कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या धरना स्थलों पर हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई थी, सीआईडी की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें इस तरह की बातें शामिल हैं। क्योंकि पिछले महीने से धरने पर यशपाल मलिक गुट हैं और उनकी तरफ से कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उन मांगों को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, उन मांगों को लेकर कई और जाट संगठन सरकार से मिल चुके हैं और सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है। किया जा रहा है उसको लेकर यहां पर चर्चा हुई। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई जिसमें जाट आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई इस बैठक में, और वो लोग भी शामिल थे, वो अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे, उनको भी बुलाया गया था, जो एक कमेटी बनाई गई थी जाट नेताओं से, जाट संगठनों से बात करने के लिए। उसके बाद आंदोलनकारियों की मांगों पर सीएम की तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि कानून के दायरे में रहकर देखेंगे कि कौन सी मांग पूरी की जा सकती है। इसके साथ ही एक जो सवाल खड़ा हो रहा है कि किसी व्यक्ति पर 302 और 307 धारा लगी है तो वो कानूनी अड़चन कैसे हटेगी, ये एक बड़ी बात थी जिसको लेकर सीएम की तरफ से अपनी बात कही गई, क्योंकि इसको लेकर जो केस वापस होने हैं उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस पर भी बात करेंगे कि जो एक रिपोर्ट लीक हुई है, सीआईडी की खुफिया रिपोर्ट थी, उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है वो भी चर्चा का विषय है, और उसमें उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी मंशा अभी मसले का हल नहीं है, वो इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं, लोग भर भर कर दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी तरफ से माहौल को खराब करने की कोशिश, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, इस तरह से उस रिपोर्ट में कुछ बातों का जिक्र था। इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ महिपाल सिंह साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हुकुम सिंह भाटी साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मोहम्मद बिलाल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महिपाल जी, जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें
कई और मुद्दे थे, कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा हुई, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको लेकर भी इसमें कहा गया कि जो भी मांगे होंगी कानून के दायरे में रहकर उनको पूरा किया जाएगा। साथ ही एक चीज़ और जोड़ी है मुख्यमंत्री ने कि जो धारा 302 है, 307 है, जो इस तरह की संगीन आपराधिक धाराएं हैं उनको कैसे, वो कानूनी अड़चन कैसे हटेंगी, और दूसरी तरफ जो लोग आंदोलन पर उनका कहना है कि सभी जो केसेस हैं उनको वापस लिया जाए। देखिए नासिर भाई, एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस सारे समस्या को सामने आए हुए प्रदेश के सामने। पिछले साल 14 तारीख को ये लोग धरने पर बैठे थे और 18 तारीख तक कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। उसके बाद वायलेंस हुआ हरियाणा में, कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारे घर जलाए गए, आगजनी हुई, लूटमार भी हुई, और एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत एक वर्ग विशेष को इसका वो बनाया गया, क्या कहते हैं, उसके हिस्से में रखा गया कि भाई ये सारे जो कुछ किया इन लोगों ने किया। अब सरकार के आज कह रही सरकार 302 307 कैसे हटेगी। पिछले साल 22 फरवरी को मीटिंग हुई थी हरियाणा भवन में, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे, मुख्यमंत्री शामिल थे, तो उसमें ये फैसला उसमें कहना चाहिए था कि हम क्या करेंगे, कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। अभी 26 तारीख को लोगों ये खा पंचायतों की मीटिंग हुई सोनीपत में, तो उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने बुलाया 27 तारीख को, कहा मुझे 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी जो मांगे हैं पूरी कर ली जाएंगी। उस समय स्पष्ट क्यों नहीं करते, अपनी बातचीत के अंदर तुम क्लियर होने चाहिए, तुम अस्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी नीयत क्या है। 17 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं और दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं। आज ये जैसे एक अखबार वगैरह हम लिखते हैं कि यशपाल गुट क्या मलिक गुट है, फलांग गुट है, अब गुट नहीं रहा है, अब तो पूरी कौम सामने आ गई है। बल्कि जो लोग इससे हट गए थे वो पीछे हट गए हैं, जो इससे हट गए थे अब लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इस समय 2-3 बातें आ गई। लोगों के सामने अस्मिता का सवाल है, लोगों के पास सामने आत्मसम्मान का सवाल है, लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल है, तो ये बातें दूर चली गई। ये तो मुख्यमंत्री पहले देखना चाहिए था, जब वो बार बार मीटिंगें होती हैं, 22 फरवरी को हुई, 6 मार्च को हुई, फिर जून में हुई, बार बार मीटिंगें होती हैं, ये बातें उस समय देखनी चाहिए थी। अभी भी तुम कमेटी बैठाते हो, बनाते हो 5 मेंबर कमेटी, उसमें कोई भी लीगल एक्सपर्ट नहीं है, एक मिनट, उसमें कोई भी लीगल एक्सपर्ट नहीं है ताकि इनको कानून राय दे सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सांगवान साहब आता हूँ आपके पास, आप कार्यक्रम में शामिल है जी, अपनी सर आप बात पूरी कर लीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि लीगल एक्सपर्ट कोई भी नहीं है इस कमेटी, 5 मेंबर कमेटी में। आप 6 मेंबरी कमेटी बनाते, एक एडवोकेट जनरल को इसके अंदर शामिल करते या और किसी अच्छे कानूनदान को शामिल करते जो ये आपको सलाह देता कि इस मामले में ये सरकार के पास बचने का ये रास्ता है, ताकि जिससे लोगों का और सरकार का टकराव ना हो और हरियाणा में शांति बनी रहे। और अपने और भी मेहमान जो हमारे साथ हैं उनके पास भी आऊंगा, और कुछ हमारे पास जो आज की मीटिंग की तस्वीरें थी, विजुअल थे, वो भी है, वो भी प्रोग्राम में चलते रहेंगे बारी बारी से, सवाल और ग्राफिक्स के साथ में। और जो लेटर था उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी, उसकी भी एक कुछ तस्वीरें हैं, वो भी चलती रहेंगी। हवा सिंह सांगवान साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? सर आज मीटिंग में कुछ बातें निकलकर सामने, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, मैं 2-3 सवाल थे मेरे आपसे, फिर मैं बाद में भी आऊंगा, लेकिन पहले उनके जवाब में चाहता हूं कि क्या आप ये चाहते हैं कि चाहे कोई भी धारा किसी के ऊपर भी लगी हो वो सबकी सब हटाई जानी चाहिए? सरकार का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर जो भी मुमकिन होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ कानून कानून है, चाहे 302 का केस है, चाहे 307 का है, इसी के तहत कोई भी वापस दे सकते हैं। ये काम का जो है डिले कर रहे हैं और वो पिछले साल वाली कहानी फिर दोहराई जाए, क्या फायदा है? सरकार को बिल्कुल ठोस निर्णय लेना चाहिए और लोगों को जो है कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहिए, कंफ्यूजन चाहिए सरकार को, क्या बीमारी सरकार को। और हमारे हमारे साथ कार्यक्रम में हुकुम सिंह भाटी साहब भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो आपकी बात को सुन रहे हैं। हुकुम सिंह भाटी साहब, हवा सिंह सांगवान के जो सवाल हैं कि सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं। देखिए ठीक है, आप सुन लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास सांगवान साहब जी,
भाटी साहब, देखिए जहां तक जाट आरक्षण की बात है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। मंशा सबको पता है कि आप आरक्षण देना चाहते हैं और हरियाणा की और देश की हरियाणा की विधानसभा में बहुमत के आधार पर मांगे उन पर बिल्कुल बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास किया और उसका कानून बना करके पास किया। लेकिन उसी समय क्योंकि वो हाई कोर्ट से स्टे है और स्टे है तो इसलिए उसकी आगे कार्रवाई केस वापस लेने हैं और जो चीजें उस पर बात कर रहे हैं आरक्षण पर तो आप चाहते हैं कि मिलना चाहिए, सभी कहते हैं कि मिलना चाहिए। जी देखिए जहां तक है कानून के दायरे में बड़ा स्पष्ट आज मुख्यमंत्री जी ने सूरजकुंड में आज बैठक थी और बड़ा स्पष्ट उन्होंने ये बात कही है कि कानून के दायरे में रह करके जो जो संभावनाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। वैसे अगर हम इस पूरे उसकी तरफ देखें तो कुल 79 लोग कस्टडी में हैं, 79, उनमें से बहुत सारे लोग लगभग 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जमानत नहीं लगाई, 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमानत कोर्ट से मिली लेकिन मुचल के नहीं भरे, उसके अलावा 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने जमानत के अपने पेपर्स पूरे नहीं किए और इस सब के बीच में 11 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध हैं, जिन हीनस क्राइम में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। देखिए सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि जहां 302 307 दूसरी संगीन धाराएं हैं तो वो उन धाराओं को कैसे हटाया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। बाकी जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो अभी आंदोलन चल रहा है ये यशपाल गुटका आंदोलन है, बाकी और किसी गुट ने इसको समर्थन नहीं दिया। अच्छा। इस आंदोलन का केवल एक ही मकसद है, जो और लोग वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो वहमन सरकार को जो वक्त दिया, अगर इसमें आपने अगर अपनी बातों को अपने वादों को पूरा नहीं किया तो फिर हम भी आ रहे हैं सड़कों। चलिए वो अगली बात है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि यशपाल मलिक केवल और केवल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन उनकी ध्यान में है और उसको लेकर के ये सारी राजनीति कर रहे हैं। उनका अच्छा। उनका ध्यान सच्चे मायनों में इस समस्या को निदान कराना नहीं है। हाँ। मैं नासिर जी एक ही उदाहरण बता देता हूं। आज वो इन लोगों को कि इनके केस वापस कीजिए। हाँ। जब हुड्डा जी की सरकार थी 2005 से लेके 2014 तक वो 76 मुकदमे उस समय बने थे, कभी उन्होंने आंदोलन नहीं किया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये केस वापस होने चाहिए। अब आज क्या हो गया है? ये केवल और केवल एक अच्छा, एक राजनीतिक साजिश है। एक दो लाइन में सरकार की मंशा क्या, सरकार की राय क्या है, सरकार का क्या कहना है इन मांगों को लेकर? देखिए सरकार तो आरक्षण देना चाहती है, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी कानून, आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कानून के दायरे में रह करके जो संभावनाएं होंगी वो उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ा जा सकता। आपकी सरकार का हवाला दे दिया जाता है कि आप लोगों ने क्या किया। आज जो मीटिंग हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संगीन धाराएं हैं 302 307 उनको कैसे हटाया जाए, एक सवाल सा उन्होंने खड़ा किया है। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा कि कानून के दायरे में रहकर जो भी हमसे मुमकिन होगा हम वो करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इन बयानों को? नासिर भाई पहली बात तो ये है कि अब ये जो कहते हैं पिछली सरकार में ये था, पिछली सरकार में ये था, जब पिछली सरकार के उसमें चलना है या कोई बात करनी है, पहली बात तो इनकी मंशा साफ नहीं है। जैसा अभी भाटी जी कह रहे थे सरकार की मंशा साफ है और अभी गुटबाजी में तो ये बांट रहे हैं। भाई मांग जो है जाट समाज की मांग है, जाट समाज आज धरने पर बैठा है, डे बाय डे जनता उसमें बढ़ रही है, समाज के लोग उसमें बढ़ रहे हैं। ये लोग सिर्फ इस खेल का इंतजार, जैसा इन्होंने पहले खेल खेला रोहतक से शुरू हुआ खेल और वो पूरा जात बिरादरी में जो बांट करके, इनकी मंशा साफ नहीं है। और ये कभी कमेटी बनाते हैं, कभी कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, इससे पहले भी कैबिनेट की मीटिंग की, तो ये सिर्फ जो है ना बरगलाने की बात है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है, सिर्फ इस टाइम को लंबा खींचना चाहते हैं। जबकि जाट समाज का जो आदमी बैठा है हम उनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और जैसा भी कह रहे थे 76 आदमी, तो इनका मकसद ये है कि उन्होंने नहीं किया तो हमने नहीं किया और आप करते तो हम करते, ये सब चीज नहीं, सरकार के दायित्व इनका बनता। और जो 302 307 की बात जो आप कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर पावर इनके पास है, सारी चीज इनके पास है। हाँ। बहुमत इनके पास है तो दिक्कत क्या है इसमें? कानूनी अड़चन तो कुछ, नासिर जी, नासिर जी, मेरे साथी कांग्रेस के ये बताएं, इन्होंने विड्रॉ किए क्या वो 76 केस? आप उस बात को छोड़िए, उस समय विधानसभा में तुम्हारा पूरा बहुमत था, उसके बावजूद तुमने जब वो विड्रॉ नहीं किए उसका जवाब दो ना।
आज आज कहते हो कि केसों को विड्रॉ किया जाए, विधानसभा में प्रस्ताव पास छोड़ कैसे दीजिए, आज जवाब दीजिए। कांग्रेस ने उस समय क्या किया? आज केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। और नासिर जी, मैं आपको बता दूं, ये धरना केवल और केवल यशपाल मलिक गुट का है और यशपाल मलिक गुट और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में एक गाजियाबाद में एक मीटिंग हुई, उसका जवाब आज तक यशपाल मलिक ने दिया नहीं, कांग्रेस साहब भी हमारे साथ हैं, जाट नेता हैं, काफी मशहूर हैं, सभी जानते हैं। हवा सिंह सांगवान साहब, क्या अभी तक ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं यशपाल मलिक तक ही महदूद है ये, या और भी लोगों का समर्थन मिलना शुरू हुआ है? जी जब लोग ग्राउंड में आ जाते हैं तो लोग आहिस्ता 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 सब आ जाते हैं। जी जी आज जरूरत नहीं है, आज जरूरत ये है कि जो नौकरी वाला मामला था बिल्कुल सरकार कॉम्पिटेंट है, कांग्रेस ने भी चीजें गवर्नर से परमिशन लेना जी सारी नौकरी मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मामले वापस दिए जा सकते हैं, सीआरपीसी चीजें किसने बिल्कुल साफ देखा है, पीसी के माध्यम से 302 वाले 307 वाले भी वापस हो सकते हैं और स्टेट में हुए तो ये ठीक है। सांगवान साहब, एक मेरे कुछ सवाल और थे। एक रिपोर्ट सीआईडी की एक रिपोर्ट लीक हुई है, सीआईडी की एक रिपोर्ट लीक हुई है और उसमें इस तरह की बातों का जिक्र है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका मकसद आंदोलन को लंबा खींचना है, वो मसले का हल नहीं चाहते, इस पर आपका क्या कहना है? और हथियार लेकर हथियार वहां पर ले जाए जा रहे हैं, हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? धरना स्थलों पर, धरना स्थलों पर उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि धरना स्थलों पर हथियार ले जाए जा रहे हैं, हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से काफी ही संवेदनशील मुद्दा है। महिपाल जी, सांगवान साहब आपके पास आता हूँ। जी, जो सवाल थे मेरे, जो रिपोर्ट लीक हुई ये भी एक अहम इशू है कि उसमें कहा गया कि कुछ ऐसे हालात बिगड़ सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर, कि सरकार को ऐसा अंदेशा है कि हालात बिगड़ सकते हैं अगर हथियार कहीं पर पहुंच रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है वहां पर कुछ कमी है कि आखिर कैसे पहुंचे? जब सारी बातें हैं नासिर भाई इसमें, कि मैं मेरी जो मानना है, ये रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, रिपोर्ट लीक की गई है। अच्छा, रिपोर्ट लीक की गई है और उसमें मीडिया के भी एक वर्ग शामिल है ताकि जाट कौम को बदनाम किया जा सके। एक बात, अगर सरकार को अंदेशा है कि यहाँ वायलेंस हो सकती है, पीस डिस्टर्ब हो सकती है स्टेट की, तो सरकार उसके तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ाती, सरकार इसका समाधान क्यों नहीं निकालती? लिंगरन कौन कर रहा है? आप आंदोलनकारियों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लिंगरन करना चाहते हैं इस केस को, स्थायी हल नहीं निकालना चाहते, कौन नहीं निकालना चाहता? सरकार ने हल किसने निकालना है? हल निकालने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है हल निकाले, और सरकार इस तरह के हालात पैदा होने ना दे जिस प्रकार के पिछले साल पैदा हुए थे। जहाँ तक हथियार इकट्ठा करने की बात है, मैं समझता बिल्कुल बेबुनियाद बात है। एक आदमी कल परसों एक लड़का कोई टॉय गन लिए घूम रहा था, उसके अलावा कोई हथियार वहाँ नहीं है। अगर हैं तो सरकार सर्च कर सकती है। सुबह रात को तकरीबन खाली हो जाते हैं वो मैदान, सुबह लोग फिर दोबारा इकट्ठा होते हैं। आप देखें जाके, सरकार ये उम्मीद वो क्यों कर रही है इस बात का इंतजार कि यहाँ हथियार इकट्ठे होंगे, जमावड़ा होगा, लोग वायलेंस करेंगे, हम गोलियाँ चलाएंगे, फिर लोग मरेंगे, फिर बातचीत होंगी, फिर कमेटियां बैठेंगी, उस दौर तक पहुंचने की नौबत क्यों आने दे रही है सरकार? ऐसा मंशा क्यों आपको ऐसी लगती है जो आपने नहीं सवाल अस नहीं इस, और क्या इसकी मंशा क्या है? आप 17 दिन से लोग शांति से बैठे हैं, कहीं कोई भी किसी प्रकार की वायरस तो बहुत बड़ा शब्द है, कहीं पर भी थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस किसी प्रकार की किसी ने नहीं की, लेकिन सरकार और क्या चाह रही है? कितना लंबा इंतजार करवाना चाहती है सरकार? अब उधर से रिपोर्ट आती है कि आंदोलनकारी नहीं चाहते कि इनका समाधान हो। कौन नहीं चाहता? ये तो समाधान किसने करना है? अक्रॉस द टेबल मीटिंग बुलाया, लोगों को बुलाया, आगे चले गए जी हम चंडीगढ़ जाकर रिपोर्ट देंगे, चंडीगढ़ जाकर रिपोर्ट दी, चंडीगढ़ वाले हम बोले हम तो सूरज कुंड लंच पे जा रहे हैं, वहां जाके मीटिंग करेंगे।
तो इस तरह से थोड़े फैसले होते हैं, गंभीरता कहाँ है, कमिटमेंट कहाँ है? ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार को जब पता है चीजें पहुंच रही हैं तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? ऐसा 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 लगने ही क्यों दिया जा रहा है कि माहौल खराब हो सकता है, जबकि पहले से सारी चीजें क्लियर थी, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं, फिर उस रिपोर्ट में हथियारों का जिक्र, इस तरह की बातों का जिक्र क्यों? नासिर जी देखिए, ये रिपोर्ट लीक नहीं, ये कोई लीक रिपोर्ट कैसे सरकार की कभी कोई लीक होती है क्या? ये कुछ लोगों की मंशा होगी, कोई बात निकल के आई है कहीं कहीं हथियारों का, जैसे एक अखबार ने तो ये कहा था कि भाई वहाँ हथियार भी लेके घूम रहे थे, लोगों ने शराब पी रखी थी, एक अखबार, तरह तरह की मीडिया की रिपोर्ट है ये कोई सीआईडी रिपोर्ट लीक नहीं है, ये मीडिया की नहीं, रिपोर्ट नहीं, है। नहीं, ये रिपोर्ट जो आई है वो इसके, नासिर जी एक बात सुनिए, विजुअल चल रहे थे ना, एक बात सुनिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जो यशपाल गुट है उसको अभी पीछे बुलाया गया, और उससे पहले 27 जनवरी को बाकी सब लोगों को बुलाया गया, और एक इस बात के लिए सरकार ने अपनी कटिबद्धता दिखाई कि हम इस मामले को हल करना चाहते हैं, क्योंकि मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, जो असली मुद्दा है उससे भटक के दूसरी बातों की तरफ जा रहे हैं, और आज किस लिए जा रहे हैं इस बात को बिल्कुल साफ और उन मांगों को आप मुद्दा नहीं मांगते। मैं ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, मैं आपसे आपके पास ही आऊंगा, और आपने कहा ना कि जो असली मुद्दा है उसको भटक कर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये सवाल उठता है कि क्या जो मांगे उठाई जा रही हैं क्या वो असली मुद्दा नहीं है? इस पर ब्रेक के बाद आपसे चर्चा करता हूं, और भी तमाम मेहमान हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।